हेलो फ्रेंड्स, अब हम कम्युनिकेशन, संचार का जो माध्यम है, हम कम्युनिकेशन को समझ रहे थे और कम्युनिकेशन में हमने पहले बहुत कुछ समझाया। आप उससे पहले जो हमने चीज़ें समझी, जैसे कि ग्रुप कम्युनिकेशन क्या है, अपवर्ड कम्युनिकेशन क्या है, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या है, तो इन सब चीज़ों को समझने के लिए आप मेरे पहले वाले वीडियोज़ उनको इस तरह समझ लीजिए, क्योंकि वो समझ लोगे तो फिर ये आगे जो समानांतर जो पैरेलल कम्युनिकेशन होता है इसको हम बोलते हैं एक प्रकार से हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, ठीक, लैटरल कम्युनिकेशन इसको हम बोलते हैं, तो इसको समझने में आपको काफ़ी आसानी होगी। अब हम इसमें बात करेंगे जो समानांतर कम्युनिकेशन है, समतल कम्युनिकेशन, जो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन है हमारा, उसके एडवांटेज की बात करेंगे, इसमें एडवांटेज के लाभ क्या है। देखिए, सबसे पहला इसमें हम बात करते हैं, समझते हैं इसको कैसे। एक बात सोचिए, देखिए मैं दो तीन प्रकार के यहाँ पर ग्रुप बनाऊंगा, उनसे आपको समझ में आएगा कि भाई कैसे हो सकता है कि श्रेष्ठ, यहाँ पे जो शब्द है ना, श्रेष्ठ मानवीय संबंध, वो कैसे स्थापित हो सकता है इससे, उसको समझने के लिए मैं आपको एक दो तीन डायग्राम यहाँ बनाकर दिखाता हूँ। देखिए, पहले डायग्राम में मैं बनाता हूँ कि कुछ पर्सन में यहाँ बना रहा हूँ, कुछ इंसान बना रहा हूँ, ठीक है, और हालांकि इसमें किसी में मैंने स्माइल नहीं बनाई, तो आप ऐसा मत समझेंगे लोग उदास हैं, ये वो नहीं, वो केवल आपको बनाने के लिए, वो इतना टाइम मैं ले ले रहा है स्माइल इसमें बनाऊँ। अब अगला डायग्राम जो है उसमें हम देखते हैं, कुछ चेंजेस करते हैं, जैसे ये हो गया, यहाँ मैं स्माइल बना देता हूँ, थोड़ा यूनिक सा अलग दिखेंगे ना आपको, तो उसके लिए यहाँ मैं स्माइल दे देता हूँ। ये देखिए, ये हो गया इस प्रकार से, और एक डायग्राम मैं बनाता हूँ, एक चेन के टाइप में बनाएंगे हम लोग, एक सर्कल टाइप चलना चाहिए, देखना चाहिए कि सर्कल सा बना हुआ है, ठीक है, ऐसे आ रहा है और फिर ऐसे आ रहा है और ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है, और एक सर्कल फिर यहाँ हो जाएगा, और फाइनली ये कैसे ऐसा करके सर्कल सा हो गया, राउंड सर्कल, ठीक है। और एक डायग्राम अगर मैं बनाता हूँ, लास्ट डायग्राम में इसको बोलूँगा, हाँ, जैसे मान लीजिए मैंने एक पर्सन यहाँ बनाया और उसके ऐसे करके, अब देखिए, जैसे ये जो डायग्राम हमारा बने, नंबर वन डायग्राम, नंबर टू, नंबर थ्री और नंबर फोर, इनमें डिफरेंस क्या है। देखिए, अब हम क्या बात कर रहे हैं, श्रेष्ठ मानवीय संबंध की, तो इन डायग्राम के थ्रू हम एक श्रेष्ठ मानवीय संबंध को समझेंगे कैसे है, कैसे दिखाया जा रहा है। देखिए, जो ये वाला है इसमें क्या हो रहा है कि हर कोई इक्वल दिखाया जा रहा है। अब इनकी हाइट में मत जाइए कि बोले सर आप कैसे कह सकते हैं इक्वल है, इसमें हाइट ज़्यादा है, इसमें कम है, ये पतला लग रहा है, ये मोटा लग रहा है, ठीक है, अब ये लंबा है, तो ऐसे नहीं है, ठीक। सामाजिक तौर पर देखें तो सबके सब ये इक्वल है, एक ही पायदान पर है, यहाँ पर भी एक ही पायदान पर है। अब इनको अगर ऊपर नीचे भी करेंगे हम, मान लीजिए इस वाले को ऊपर ले जाएं और इस वाले को हम नीचे ले आएं, तो क्या इनमें कुछ चेंजेस होगा? नहीं, क्योंकि ये समाज में एक ही पायदान पर है। अब जहाँ देखते हैं, यहाँ हमने दिखाया है कि ये मान लीजिए कुछ होता है ना कि एक समाज में रहने वाले, एक ये अपर कास्ट वाली बात होगी, जहाँ मैं अपर कास्ट लिख रहा हूँ, अपर कास्ट, ये उस टाइप की बात हो गई, ठीक है, और ये जैसा होता है ना नीचे, ये लोअर कास्ट वाली बात हो गई, ठीक। अब ये जो यहाँ पर डिफरेंस दिख रहा है एक प्रकार से आपको, तो यहाँ पर क्या समाज में समानता दिख रही है आपको, कहीं पर भी इसको लेकर कोई समानता दिख रही है? क्योंकि ये तो ऊपर है और ये नीचे है, यहाँ पर दो भागों में इन्होंने बांट दिया, किसको, मानवों को दो भागों में बांट दिया, और ऐसा कितने ही भागों में बांट देते हैं। अब देखिए, ये वाला है इसमें सर्कल चल रहा है एक, ठीक है, एक चेन कम्युनिकेशन चल रहा है कि अब जो इंसान ये है, मतलब जो ये पहले वाला इंसान है उसी के थ्रू दूसरा, उसके थ्रू तीसरा, उसके थ्रू चौथा, मतलब एक ही पीढ़ी में चीज़ चलने वाली है, इसमें कोई दूसरा इंक्लूड ही नहीं हो पा रहा है, समझ रहे हो ना। कि अगर मान लो ऐसा होता ना कि एक हिंदू धर्म चल रहा है, एक मुस्लिम धर्म चल रहा है, या फिर क्रिश्चियन धर्म चल रहा है, तो उसी हिसाब से कोई भी एक रिलीजन आप यहाँ पर मान लो, कोई भी एक, मान लीजिए हम बुद्धिस्ट रिलीजन मान लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, या हिंदू मान लेते हैं, तो ये क्या है, हिंदू हिंदू ऐसे चला रहा पूरा, इसमें कोई और इंक्लूड नहीं हो रहा, क्योंकि उन्होंने एक चेन सर्कल बना रखा है अपना, ठीक है, कोई भी एक रिलीजन हम कॉमन मान लेते हैं, एक रिलीजन रिलीजन उसको लेकर चल रहे हैं, तो क्या हुआ, यहाँ पर क्या श्रेष्ठ मानव संबंध बने? नहीं, क्यों?
क्योंकि ये एक ही चीज को लेकर पकड़ के चल रहे, ये सबको इंक्लूड नहीं कर रहे उसमें। और अब ये जो फोर्थ वाला है इसमें क्या, देखिए ये एक, ये कोई मान लीजिए उच्च पद पर बैठा अधिकारी है मान लीजिए, ठीक है, ये अधिकारी, अभी जो अधिकारी है और इसके नीचे काम कर रहे हैं, तो ये आप क्या ये बराबर हो सकते हैं जो नीचे काम कर रहे हैं? ये कर्मचारी होगा, ये अधिकारी होगा, ये दोनों के हमारे कर्मचारी, ठीक है। अब अधिकारी और कर्मचारी किसी एंगल से बराबर हो सकते हैं? नहीं। तो यहाँ पर जो श्रेष्ठता की मैंने बात की कि श्रेष्ठ मानवीय संबंध विकसित करना, किसका? हॉरिजॉन्टल। देखिए जहाँ पर चीज़ समानांतर होगी, मतलब जहाँ पर पहले वाले में और लास्ट वाले में कोई डिफरेंस ना हो, या इसमें इसमें कोई डिफरेंस ना हो, किसी में भी सब एक बराबर हों, तो क्या होगा, श्रेष्ठ मानवीय संबंध विकसित करने में हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन जो है वो ईजी होता है। आप देख समझते हैं इसको और डीपली। देखिए जो पहले वाले श्रेष्ठ मानवीय संबंध कैसे हैं, आप लोग हो, ठीक है, आप लोग अपने मित्रों से बात कर रहे हो। अब अपने मित्रों से आप किसी प्रकार की बात कर सकते हो, वो बात आपके हेल्प के लिए हो सकती है, ठीक है, या आप अपनी फैमिली से दुखी हो, या गर्लफ्रेंड से दुखी हो, बॉयफ्रेंड से दुखी हो, तो आप बात कर सकते हो, बीवी से दुखी हो, या कहीं झगड़ा हो गया आपसे आपका, तो आप अपने फ्रेंड से सब बातें शेयर कर सकते हो। क्या वो बातें आप लोग अपने परिवार से शेयर कर सकते हो? क्योंकि परिवार में एक दायरा होता है, ठीक है, कि कोई माता पिता का दायरा ऊपर हो गया, बच्चों का दायरा नीचे हो गया, तो आप सबसे एक जैसी बातें शेयर नहीं कर सकते। तो उस प्रकार से उसको हम कहेंगे समानांतर जो आपका कम्युनिकेशन है, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन है, ये वो प्रॉपर फीलिंग में नहीं डालेगा आपको, ठीक। और जो दूसरे वाला है, अब इसमें एक बात सोचिए, जैसे मैंने एक कास्ट वाला उदाहरण दिया आपको कि कास्ट सिस्टम यहाँ पर है, अब एक बात सोचिए कि एक अपर कास्ट, एक लोअर कास्ट। जैसे कि आपने एंशियंट टाइम में भी देखा होगा, वहाँ क्या होता था कि भाई एक कास्ट को बहुत अच्छा माना जा रहा है और एक को बहुत नीचे माना जा रहा है, ठीक। तो उसमें क्या सेम कम्युनिकेशन हो सकता है? मान लीजिए ये जो लोअर कास्ट वाली है कुछ बात बोलें, वो होगी सबके फायदे के लिए, लेकिन वो क्या बोलेंगे कि आपको इतना ज्ञान नहीं जो आप ये वाली बात बोल सको, ठीक। तो यहाँ पर क्या हुआ, कम्युनिकेशन सिस्टम बेहतर नहीं हुआ यहाँ पर भी, तो यहाँ पर भी कम्युनिकेशन का जो अभाव है वो देखने को मिल रहा है। उसके बाद में क्या था, ये जो राउंड वाला कम्युनिकेशन मैंने दिखाया कि चेन सिस्टम बना हुआ है, अब देखिए यहाँ पर क्या कि ये एक ही रिलीजन को पकड़ के चल रहे हैं, ठीक, इन्होंने किसी एक चीज़ को पकड़ लिया, और एक चीज़ को जब आप पकड़ चलोगे तो अगर कोई दूसरे रिलीजन की चीज़ भी होगी यहाँ पर तो वो इनको नज़रअंदाज करेंगे वो लोग, ठीक है, इनको उसका लाभ नहीं मिल पाएगा, ठीक। अब मान लीजिए यहाँ पर मान लीजिए ये लोग किसी एक रिलीजन को पकड़ चल रहे हैं और ये कहते हैं भाई हमारे रिलीजन में ये अच्छा है, आपके रिलीजन में अच्छा है लेकिन आप दूसरे के रिलीजन की बुराई नहीं कर सकते, उनके उसमें भी अच्छा है, वो अपने लिए सही और आप अपने लिए सही, लेकिन यहाँ क्या कर रहे हैं, उनकी अच्छाइयों को नज़रअंदाज कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि केवल ये एक चेन सिस्टम में बन के चल रहे हैं और इसको हम एक समानांतर नहीं कह सकते। उसके बाद हो जाएगा ये वाला, अब यहाँ पे क्या ऑप्शन आता है आपको देखने को कि अब जो अधिकारी है यानी जो बॉस है, बॉस इज ऑलवेज राइट वाला फैक्ट है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ क्या है, कभी कभी आपको देखने को मिला हो बॉस ने जो बोला वो काम करना पड़ेगा, क्या वो सही हो या गलत हो, एम्प्लॉय को ये सोचने का हक नहीं है, ठीक। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि जो कर्मचारी है और अधिकारी इनके बीच में कम्युनिकेशन का गैप बन जाएगा, जो मैंने आपको अपवर्ड कम्युनिकेशन और डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में समझाया था। तो जो ये आपका हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन है इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है कि ये मानवीय संबंध को विकसित करता है, क्योंकि जब आप एक ही पायदान पर रहोगे, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, ना कोई ऊंचा ना कोई नीचा, ठीक है, ना कोई धर्म ना कोई अधर्म, ठीक, ना कोई अधिकारी ना कोई कर्मचारी, जब ऐसे संबंध विकसित हो जाएंगे तब आप आराम से अपनी बातें कह सकेंगे, ठीक। और यहाँ पर आपको थोड़ा कंफर्टेबल ज़्यादा फील होता है, आप अपनी बातें करें उसके लिए आपको कंफर्टेबल फील होगा, एक माहौल मिलेगा। आगे समझते हैं इसमें, अब नेक्स्ट इसका लाभ क्या उसको समझते हैं। आप देखिए सेकंड जो इसका एडवांटेज है वो है कि समतल संचार द्वारा विभिन्न विभागों, क्रिया, उत्पादन के स्वतंत्र आंतरिक लक्षणों का संस्था के सामूहिक लक्षणों के मध्यम सामंजस्य से सृजित होना, ठीक है। अब इसको हम कह सकते हैं ऐसे कि सामंजस्य सृजित होना, कैसे वो समझते हैं हम इसको, ठीक है। और ये कहाँ हो रहा है, ये हो रहा है मान लीजिए देखिए विभागों में, क्रियाओं में, उत्पादन में, अब देखिए
जो सामंजस्य तीनों चीज जगह पे स्थापित हो रहा है, इसके साथ साथ हम बहुत से और भी एग्जांपल ले सकते हैं, लेकिन मैं बहुत बड़ा नहीं करके इसको अच्छी तरह से यहीं पे समझा खत्म करूंगा। देखिए, सामंजस्य सृजित होने की बात कर रहे हैं, कैसे कि जब आप एक साथ यानी कि एक ग्राउंड पे, मान लीजिए मैंने एक लाइन खींची, ठीक है, और आप सभी इसी पर आधारित हम बात करते हैं, केवल इसी लाइन पर आधारित, तो आपको क्या लगेगा कि एक समानांतर बात है। अगर मैं इस लाइन को यूं कर दूं ऊपर की तरफ, तो ऊपर जा रहा है यानी कि लेवल बढ़ता जा रहा है, ठीक, तो यहाँ पर एक स्लोप बनता हुआ आपको दिखाई दे रहा है कि बातें नीचे से ऊपर भी आ सकती है, फिर ऊपर से नीचे भी आ सकती हैं, लेकिन हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमें जो मतलब है वो किससे है, इससे, समानांतर वाली क्रिया से हमें मतलब है, ठीक। अब देखिए, जब हम इस विभाग की बात करते हैं, विभागों में क्या देखने को आपको मिलता है, देखिए सामंजस्य कैसे कि एक जो विभाग है, ठीक, अब विभाग में क्या हुआ, एक अधिकारी हो सकता है और एक कर्मचारी हो सकता है। अब जो ये अधिकारी और कर्मचारी हैं, ठीक है, एक हो गया आपका संचारक और एक हो गया आपका प्रपक। संचार और प्रपक कैसे आप डिफाइंड करेंगे इसको, मान लीजिए हम कहेंगे अधिकारी जो है वो संचारक है या फिर कर्मचारी प्रपक है, ठीक है, तो क्या ये बात सही है, क्यों, जरूरी थोड़ी है। हम अपवर्ड डाउनवर्ड दोनों कम्युनिकेशन में किसी की बात यहाँ नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम संचारक और प्रपक की बात कर रहे हैं। हम ये भी तो कह सकते हैं कि संचारक कर्मचारी होगा, क्योंकि कर्मचारी भी तो अपनी बात कह सकता है अधिकारी को, और प्रपक फिर ये हो जाएगा, ठीक है, ये स्थिति ऐसे हो जाएगी फिर ये, लेकिन इसको हम उल्टा भी कर सकते हैं, क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं हो सकता, ये भी हो सकता है, ये चेंज हो गई, कर्मचारी हमारा संचारक हो गया, अब यहाँ क्या होगा कि ऐसे कर देते हैं इसको हम, ये रहा कर्मचारी जो है हमारा प्रपक हो गया और अधिकारी हमारा संचारक हो गया, स्थिति कोई भी हो सकती है इसमें, तो यहाँ पर हम स्थिति को फिक्स नहीं कर सकते। अब देखिए, सामंजस्य सृजित कैसे होना है, जो विभागों की बात हो रही है, एक विभाग में 50 लोग काम करते हैं यहाँ पे, ठीक है, 50 लोग काम कर रहे हैं। अब ये 50 लोग काम कर रहे हैं, इनमें हर कोई तो अधिकारी नहीं होगा, हम मान लीजिए अधिकारी निकाल देते हैं 50 में से, कितने अधिकारी निकाल सकते हैं, मान लीजिए हमने कहा दो अधिकारी हमें, ठीक है, दो अधिकारी निकाल दिया, वोटेड बचे, और उसके बाद जो भी आपके जो मैनेजर लेवल हो गए एक आपका, ठीक है, उसको निकाल दिया, चार मैनेजर हो गए, ठीक, और सुपरवाइज़र जो आपका होता है वो निकाल दिया, 10 सुपरवाइज़र आपके हो गए, तो कितने हो गए टोटल, 16 हो गए। ये 16 इंसान जो है, ठीक है, इनका कम्युनिकेशन चाहे कुछ भी हो, लेकिन इसके बाद में जो इंसान बचते हैं उनका कम्युनिकेशन क्या होगा, सोचिए, सोचना ये बात है ना कि 34 जो या इंसान बचे, जो कर्मचारी रह गए हमारे 34, वो आपस में क्या कर रहे हैं, एक हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ठीक है, वो कर पाए, यानी कि विभागों में सामंजस्य, अब जो सामंजस्य सृजित हो रहा है वो यहाँ पर हो रहा है, ठीक है, जो 34 बचे, अब ये क्या करेंगे, देखिए ये लोग अपने हक की बात आराम से कर पाएंगे, ऐसा नहीं कि हक की बात को लेकर के हर बार धरना प्रदर्शन नहीं करते, नहीं, सुपरवाइजर, अब देखिए यहाँ पे 10 सुपरवाइजर है, यानी कि 10 सुपरवाइजर का ग्रुप है अच्छा खासा, वो इन सबकी बात समझ सकता है, ठीक है, चार मैनेजर है वो सुपरवाइजर की बात समझ सकता है, दो अधिकारी है वो भी बात समझ सकते हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक अगर जहाँ पर आप हॉरिजॉन्टल की बात करेंगे, समानांतर की बात करेंगे, सपोज एक उदाहरण देता, मान लीजिए क्लास है ये, ठीक है, और इस क्लास में एक टीचर हो गया, ये टीचर है, ये टीचर तो अकेला टीचर है, सिंगल वन मैन या फिर वन वुमेन कोई भी हो सकता है, हम केवल टीचर कंसीडर कर रहे हैं। अब इस क्लास में मान लीजिए 30 स्टूडेंट्स बैठे हैं, ये 30 स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हैं क्लास में, कैसा माहौल है, देखिए टीचर कम्युनिकेट कर रहा है बच्चों से, ठीक, लेकिन एक गैप है कम्युनिकेशन, अब बच्चे और टीचर आपस में हर बात तो शेयर नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, जो बच्चे हैं इनका एक ग्रुप है 30 बच्चों का, ये आपस में हर बात शेयर कर सकते हैं, ठीक है, पढ़ाई से रिलेटेड, अपने यहाँ वहाँ जाने से, घूमने फिरने से, क्योंकि ना टीचर कंफर्टेबल हो पाएगा बच्चों को पूरी तरह से, ना ही बच्चे कंफर्टेबल हो पाएंगे टीचर के साथ पूरी तरह से, तो एक क्या हो जाएगा कि विभागों में जो है एक सामंजस्य स्थापित होता है, ठीक है, सामंजस्य स्थापित करने के लिए जो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन है वो बेहतर माना जाता है, या इसका एक एडवांटेज माना जाता है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन का। अब इसमें बात करेंगे हम क्रियाओं की,
क्रिया को देख लेते हैं। अब देखिए जो क्रियाएं हैं आपकी विभिन्न प्रकार की होती हैं। कैसे विभिन्न प्रकार की हो सकती हैं क्रियाएं? हम जो क्रियाओं को लेकर, अब देखिए कोई मान लीजिए ये एक व्यक्ति है, ये अपनी कोई भी क्रिया कर रहा है, कोई भी एक्टिविटी कर रहा है, ठीक है, दूसरा भी कर रहा है। जैसे कि अब एक अनाउंसमेंट हुआ था कुछ दो एक साल पहले ना, जब एनडीए गवर्नमेंट आई थी तब एक अनाउंसमेंट हुआ था क्या कि योग दिवस मनाने के लिए, ठीक है, योग दिवस मान लीजिए, मैं एक एग्जांपल के तौर पर बोल रहा हूँ इसको, ठीक है। अब योग दिवस मनाना है, ठीक, योग दिवस में क्या है, योग एक प्रकार की क्या है, क्रिया है, ठीक है। अब क्रिया क्या है कि अब आप क्या अधिकारी और कर्मचारी, मतलब एक अपवर्ड कम्युनिकेशन डाउनवर्ड कम्युनिकेशन ऐसे कम्युनिकेशन में लेकर के क्या आप योगा कर पाओगे? सुनने वाली बात है ना। अब मान लो अधिकारी कहेगा अच्छा मैं जमीन पर बैठकर योगा करूंगा, मेरा दिमाग खराब है, सोफा लगाओ, मैं सोफे या फिर टेबल पर करूंगा, पॉसिबल है, कुर्सी पर करूंगा, पॉसिबल है। वहां पर क्या होगा, अब अधिकारी हो, मिनिस्टर हो, एम्प्लॉई हो, कर्मचारी हो, कोई भी हो, उसको जो योगा करनी है वो जमीन पर एक मैट से बिछा करके वहीं पर उसको योगा करनी पड़ेगी, ठीक है, यहीं पर उसको योगा करनी पड़ेगी, जैसे भी योगा करे बैठ करके यहीं करनी पड़ेगी। तो क्या है ये, एक समानांतर भाव की अवधारणा, यहाँ पर क्या क्रिया हो रही है, क्रियाओं में क्या होता है, सामंजस्य सर्जित हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या है कि हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन का एक एडवांटेज है कि इस स्टेज पर आकर के सबकी क्रियाएं भी एक समान हो जाती हैं, ठीक है ना। मान लीजिए कि आप कहीं ग्रुप में बैठे पार्टी कर रहे हैं, ठीक, अब पार्टी में आप लोग अल्कोहल पी रहे हैं, दारू बियर कुछ पी रहे हैं, कुछ भी, ठीक है, हुक्का वुक्का पीते हैं बहुत से लोग, कुछ भी एक्स वाई जेड मान लीजिए, क्या वो जो पीना खाना कर रहे हो वो फैमिली के साथ में कर पाओगे? पॉसिबल है कि घर पे बैठे हो, घर में वाला पार्टी है, चलो घर वालों ने भी पार्टी अरेंज कर दी, और खोल लो बोतले, थप्पड़ पर थप्पड़ पड़ेंगे, करेक्ट है ना, या फिर पी के फैल जाओ उनके सामने करो, तब देखो क्या हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि वो एक अपवर्ड और डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में आ जाता है, ठीक। यहाँ क्या है, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन की हम बात कर रहे हैं, तो जहाँ जो हम कर सकते हैं वो कहीं और नहीं कर सकते, सिंपल शब्दों में वैसे कह सकते हैं इसको। अब हम बात करते हैं यहाँ पर उत्पादन की। देखिए उत्पादन में मान लीजिए जो व्यक्ति है, एक व्यक्ति, ठीक, एक व्यक्ति एक दिन में काम कर रहा है, अब जो काम कर रहा है वो कितना काम कर पाएगा, मान लीजिए वो 10 प्रोडक्ट बना लेता है, उसने अपनी कोशिश और बढ़ाई, प्रैक्टिस की और 15 प्रोडक्ट पर पहुंच गया, बढ़ाते बढ़ाते इतना ही तो कर रहा है, क्या है उत्पादन क्षमता है। लेकिन अब ये क्या है कि भाई एक अकेला बंदा काम कर रहा है, अब यहाँ पर मैं बंदे प्लस करके इसके सामने 50 और जोड़ देता हूँ, अब टोटल 51 बंदे हो गए, ठीक है। अब जो प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है, उत्पादन की जो प्रक्रिया वो कितनी हो जाएगी, तेज़ी हो जाएगी ना। अब यहाँ पर सोचिए ये बोले आपस में कि नहीं ये वाला काम छोटा है, मैं ये नहीं करूँगा, तुम ये करोगे, करेक्ट है। मान लीजिए किसी को बोला कि भाई आपको कोई ब्रश बनाना है, ठीक है, ब्रश बनाना है, और वो बोलेगा भाई लकड़ी वाला काम मैं करूँगा, और ये जो ब्रश में जो वो जो ऐसे होते ना दांते लगे होते हैं जैसे आप सफाई करते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे करके दांते लगे होते हैं, ये बोले ये काम थोड़ा अजीब है, ये आप लोग करोगे, तो क्या ये संभव हो पाएगा कि कोई ऐसे करके इस प्रकार से और क्रिया करें? यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक समान लोग हैं और प्रोडक्शन फिर नहीं हो पाएगा अगर समानता नहीं दिखाई देगी तो, ठीक है। हर किसी का एक टाइम टेबल होगा, काम करने का तरीका होगा, काम अपने तरीके से किया जाएगा, जिसको जैसा काम आता होगा वैसे सोच समझ के करेगा, ठीक। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे पत्थर पड़े हुए हैं, ठीक है, ये बहुत सारे पत्थर हो गए, ठीक। अब इन पत्थरों को कोई 10 बंदे हैं, 10 लोग हैं, बोला जाएगा भाई आप यहाँ से उठा करके यहाँ पर रखो, ठीक, यहाँ पर ये पत्थर रखो सारे के सारे। अब ये क्या करेंगे, 10 बंदे आएंगे, उठाएंगे, जाएंगे, यहाँ ले जाएंगे, बार बार भाग भाग कर जाएंगे, आएंगे, जाएंगे, लेके जाएंगे, यही तो प्रोसेस होगा, केवल ले लेके जाएंगे, ले लेके जाएंगे, थकान हो जाएगी। एक और तरीका भी होगा, यहाँ से चेन बना लेंगे 10 बंदों की ऐसे करके, ठीक है, ये जब ये 10 बंदों के ऐसे करके चेन में डालेंगे तो यहाँ से पकड़ने वाला बंदा यहाँ से पत्थर पकड़ेगा, एक दूसरे पर सप्लाई करते जाएगा, सप्लाई होते चला जाएगा, और ये यहाँ इकट्ठा होते चले जाएंगे, ठीक है। अब क्या हुआ, एक सामंजस्य, एक लेवल स्थापित किया। पहले क्या हो रहा, जो ये 10 बंदे थे इसमें मान लो कोई एक बंदा हो गया, ठीक है, एक बंदा, ये तो दो ईंटें ले जा रहा है, दो पत्थर ले जा रहा है,
दूसरा बंदा क्या कर रहा है, वो 5 ले जा रहा है, तीसरा बंदा क्या कर रहा है, वो 1 ही ले जा रहा है। तो इस प्रकार से क्या होगा, ये बोलने लगे आपस में कि भाई ये क्या तरीका है, मैं 5 पर ले जा रहा हूँ, तुम 1 ही ले जा रहे हो, तुम 2 ही ले जा रहे हो। वो तो कैपेसिटी ऊपर बात है ना, कौन कितनी उठा सकता है, ये भी बात है। वो कहेगा भाई मेरी कैपेसिटी नहीं है कि मैं 5 उठा पाऊँ, मैं 1 उठाऊँ। वो कहेगा ये कोई तरीका थोड़ी है, आप क्या आदमी नहीं हो। तो इस प्रकार की बातें हो सकती हैं। तो इसमें क्या है, सबसे अच्छा तरीका कि एक हॉरिजॉन्टल एक कम्युनिकेशन तैयार किया जाए कि यहाँ से पत्र उठाकर सबके सब एक स्केल बनाते हुए एक दूसरे को पास होता ना, पास कि आप खड़े हो, आप ऐसे पास करके दूसरे को पास करके तीसरे पास ऐसे चला जाएगा, ठीक है, वैसे चला जाए वो। तो इससे क्या हो, इजी हो जाएगा। तो यानी कि उत्पादन की क्षमता बढ़ जाएगी, ठीक। थक यहाँ पर देखो क्या हुआ, उत्पादन की क्षमता बढ़ी, ये क्रिया पूरी हो गई, एक क्रिया भी नज़र में आई, ठीक है, कि कोई कार्य हुआ है एक ही लेवल पर। दूसरा क्या, थकान हुई किसी को भी, इनको थकान हुई जो पहले, मान लीजिए ये जो डिस्टेंस है ये वाला, ये 100 मीटर ना, चलिए 100 ज़्यादा कर रहा हूँ मैं, 50 मीटर ही मान लें, चलो 50 मीटर में ये हो जाएगा काम इतना, तो 50 मीटर का डिस्टेंस है, तो क्या इनको उतनी थकान होगी जितनी भाग भाग के कर रहे थे, वो भी नहीं होगी, ठीक। पहले के मुकाबले काम जल्दी हो जाएगा, आसान हो जाएगा, तो इससे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हॉरिजॉन्टल जो कम्युनिकेशन है उसके ये भी एक एडवांटेज के तौर पर देखा जाता है। अब हम इसका अगला एडवांटेज देखते हैं, ठीक है, यहाँ बात की थोड़ी समस्या को उचित एवं सर्वमान्य हल निकालना। अब देखिए हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में अगर समस्याओं की हम बात को देखें, ठीक, जैसे मैंने आपको बताया था कि आप सारे के सारे फ्रेंड एक ही स्केल पर हो, ठीक है। अब मैं इसको कई चीज़ें जोड़कर दिखाता हूँ आपको। मान लिया फ्रेंड्स हो और आपने बोला कि यार पहले ने बोला मुझे ये वाली प्रॉब्लम है, अब ये समझ लिए स्टिक नहीं है, कोई फ्रेंड्स है, मैंने एक ऐसी डायग्राम बनाया था छोटा सा, ठीक है, ये बोलेगा वो मुझे ये एक प्रॉब्लम है और इन सबसे डिस्कस करता है, तो ये क्या करेंगे कि सबकी समझ के अनुसार, ठीक है, यानी कि जानते हैं कि हमारे फ्रेंड को क्या ज़रूरत है, क्या उसको चाहिए, क्या होना चाहिए, तो उसके अनुसार ये लोग हल निकालने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे, ठीक। अब यहाँ पर ये क्या हुआ, जब हल निकालने की लोग पूरी पूरी कोशिश करेंगे तो एक हल, ठीक है, जो उचित होगा इस इंसान के लिए। अब मान लीजिए ये इंसान जो इसको प्रॉब्लम है ये अपने दोस्तों से ना बोले, किसी अनजान व्यक्ति से बोले जिसको ये जानता भी नहीं है, बोले भैया यार मुझे ये प्रॉब्लम, वो क्या करेगा, इसकी बात सुनेगा और बोलेगा यार ऐसा कर लो क्या। बिल्कुल हम कह सकते हैं कि जो उसने बोला वो सही होगी उसके लिए, क्योंकि वो जानता ही नहीं है कि ये है कौन, इसका बैकग्राउंड कैसा है, इसको क्या समस्या हो सकती है, उसको समाधान क्या सकता है, वो जानता ही नहीं इन बारे में। उसने क्या किया, बस एक समस्या यानी कि उसके दिमाग की एक थॉट सुनी और उस पर एक हल दे दिया उसको, ठीक। तो उसे हम उचित और सर्वमान्य हल नहीं कह सकते। अब जैसे मान लीजिए कि एक बंदा है, ठीक है, और ये है, अब मान लीजिए ये हस्बैंड है और ये वाइफ है, ठीक है, अब इन दोनों में कोई बात है तो क्या करेंगे। अब ये ऐसा तो नहीं कि हस्बैंड अपने फ्रेंड्स को बताएगा भाई ऐसे ऐसे बात है मुझे ये प्रॉब्लम है, या फिर वाइफ अपने फ्रेंड को बताएगी कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम है, फिर अपनी फैमिली वाले डिस्कस करेंगे। यहाँ पर सबसे पहली प्रतिक्रिया क्या होगी इनकी, सबसे पहली प्रतिक्रिया होगी कि ये जो इंसान है हस्बैंड अपनी वाइफ से डिस्कस करेगा, भाई ऐसे ऐसे चीज़ें हैं, ये होनी चाहिए, ऐसे होगा, ठीक है, अगर हम ऐसा करेंगे तो ऐसा नुकसान होगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा फ़ायदा होगा। हर चीज़ को पहले आपस में ही डिस्कस करेंगे, और अगर इनका कोई हल नहीं भी निकलता है उसके बाद भी, तब ये क्या करेंगे, तब ये अपने फैमिली वालों से या फ्रेंड से डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम उसको कह सकते हैं कि एक सर्वमान्य हल निकला। अब ऐसा तो नहीं है कि दोनों आपस में डिस्कस किए बगैर किसी अनजान व्यक्ति से बात करें, ठीक है, या फिर सोचिए कि एक और मैं कंडीशन यहाँ बना देता हूँ आपके लिए, ये एक व्यक्ति है, ठीक है, अब इसको कोई प्रॉब्लम है और इसने अपने अधिकारी को एक प्रॉब्लम बताई, ये जिसके ऊपर देखिए यहाँ बैठा हुआ है इसका अधिकारी, इसको बताया प्रॉब्लम, ठीक, अब इसने प्रॉब्लम बता दी, लेकिन अब क्या पता इसको हल मिले भी, क्या पता नहीं भी मिले हल, करेक्ट है ना। जो प्रॉब्लम इसने बताई वो इसके वर्क से रिलेटेड नहीं है, काम का उसमें कोई महत्व नहीं, जो वर्क की बात है उससे रिलेटेड है ही नहीं, उसको मैंने क्रॉस मार दिया, ठीक है। अब इसकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है और ये अपने अधिकारी को बता रहा है, बॉस को बता रहा है कि सर ऐसे प्रॉब्लम है, तो वो क्या करेगा, कि हल दे पाएगा, शायद ना दे पाए। वो एक सजेस्ट कर सकता है कि आप ऐसे कर लो, अब वो बेटर भी होगा या नहीं बेटर होगा, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक, कि भाई वो एक जॉब कर रहा है, जॉब तो कर रहा है, अब वो क्या है कि शादी के बाद अपने घर पे टाइम नहीं दे पाता,
जॉब कर रहा है, टाइम नहीं दे पा रहा है। अब बीवी ने धमकी दे दी एक दिन बीवी ने कि भाई ऐसा है, जॉब छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, फैसला तुम्हारे पास है, शाम तक बता देगा। करेक्ट है, अधिकारी को तो अपने काम से मतलब हो गया, बोले बीवी को छोड़, बीवी तो नहीं आ जाएगी, नौकरी चली तो फिर क्या खिलाएगा, किसको खिलाएगा। क्वेश्चन तो ये भी सही है, ठीक, लेकिन असली जो हल है वो या तो ये और इसके जो घर वाले हैं बॉस या फिर जो बॉस थोड़ी दोस्त यार वो सब निकाल पाएंगे, क्योंकि वहाँ एक क्या है कि हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन आप कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप ये क्या हो गया, ये वाले जो कम्युनिकेशन में आप बता रहे हैं अपवर्ड कम्युनिकेशन है, ठीक है, अपवर्ड और डाउनवर्ड कम्युनिकेशन यहाँ पर आ सकता है, ठीक है, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन यहाँ पर आ सकता है, लेकिन हम इसको हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन नहीं कह सकते। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन हम उसी स्थिति पर आएंगे, जैसे मान लीजिए कोई एक परिवार है और परिवार में विभिन्न प्रकार के लोग बैठे हुए हैं और वो सब अपने बातें कर रहे हैं और परिवार में कोई समस्या उसका समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। अब यहाँ परिवार में आप कहेंगे सर ये तो मतलब वही है कि एक बड़ा हो गया एज में, एक छोटा हो गया एज में, ठीक है, तो यहाँ पर उस बात से कोई मैटर नहीं करेगा। परिवार का मतलब एक परिवार होता है, उसमें छोटा बड़ा इन सब चीज़ों से इतना मैटर नहीं करता कम्युनिकेशन के अंदर, ठीक, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना परिवार में छोटा है वो सबसे अच्छे कुछ एग्जाम्पल दे सकता है, बड़ा वाला दे सकता है, ठीक है, बड़ा इंसान, तो इससे कोई मैटर नहीं करेगा हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में। हाँ, अगर आप किसी ग्रुप की बात करते हो जो आपके परिवार से संबंधित नहीं है, बाहर किसी ग्रुप की बात करते हो, तब वहाँ पर आपका ये जो पॉइंट है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन का, एज ग्रुप, ठीक है, या फिर एक सीनियरिटी जूनियरिटी, ये सब वहाँ मैटर करेगा आपका, कि कौन सीनियर है कौन जूनियर है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है, कौन आपका टीचर है कौन स्टूडेंट है, कौन अधिकारी है कौन कर्मचारी, सब वहाँ मैटर करेगा। पारिवारिक संबंधों में सब जितनी बातें मैटर नहीं करती। तो यहाँ पर क्या होगा कि समस्याओं का उचित समन्वय और सर्वमान्य हल निकाला जा सकता है, ठीक, ये भी इसका एक एडवांटेज है कि इसका समानांतर समतल यानी कि हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन का। और इसी के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है ये जो ये समस्या को जो हल निकालने वाली बात हो रही है ना, यहाँ पर उचित की बात की, एकदम उचित उचित हल, ऐसा नहीं किसी को बहुत धक्का दे दो भाई चलना जाने दे मेरे को क्या पड़ी है, मरता है मरे, ठीक है, वो अब धारण नहीं आती। आपको कोई बहुत अच्छा दोस्त होगा तो क्या होगा, अगर वो आपको लगेगा आपका बहुत अच्छा दोस्त है वो गलती कर रहा है तो आप उसे रोकोगे, ठीक है, क्या दोस्ती भी खराब हो जाए, क्योंकि दोस्ती तो फिर भी खराब होगी, गलती कर रहा है वो, तो आप उसे रोकोगे, और जब उसको रोकोगे आपकी बात मानेगा तब क्या होगा, आपने उसको एक अच्छा हल दिया कि तू गलती कर रहा है, ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए, ठीक है, तो क्या हो गया, वो एक हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। अब कोई गैर आदमी है उसको क्या बोलोगे आप, या फिर कोई बहुत अच्छा दोस्त नहीं है, ऐसे ही नॉर्मल दोस्त, हाय हेलो वाला रोज का हाय हेलो कि ठीक है मिल लिया ओके बाय बाय टाटा काम खत्म, वो कोई गलती आपके बोलोगे मर ले अपने वो क्या यार नहीं सुनता तो ठीक, आप उसको एक बार को सजेस्ट कर दोगे, वो भी सजेस्ट आपका बहुत बेहतरीन हो ना हो इस बात पे कोई मैटर नहीं है, कोई डिपेंड नहीं करता, ठीक है, तो उस प्रकार की प्रक्रिया आप आपको देखने को मिलेगी। तो ये आपके तीन एडवांटेज हैं। अब इसके बाद हम जो बात करेंगे इसमें वो करेंगे इसकी सीमा लिमिटेशन को लेकर के।